वहीं पर पीटीआई का ये मौकिफ सामने आ रहा है कि हमारे तमाम आजाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं, वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ, मैंडेट बदलने वालों का अंजाम सब ने देख लिया। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल बोले, अवाम ने महमूद खान और परवेज खट्टक को मुस्तरद कर दिया, ये अच्छा नहीं कि किसी की सपोर्ट से जीत कर दूसरी जमात में शामिल हो जाए। ये भी कहा कि हमने किसी से हल्फनामे और इस्तीफे नहीं मांगे, खदशे का इजहार किया था कि कुछ लोग वफादारियां बदलेंगे, हम पार्लियामान में हर तरह की खरीदो फरोख का रास्ता रोकेंगे, मखसूस सीटों के हवाले से एक पार्टी से बात चल रही है, ताहम अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो बैरिस्टर गौहर की जानब से कहा गया है कि हमारे तमाम आज़ाद उम्मीदवार हमसे राबते में हैं, वसीम कादिर से उन्होंने कहा कि कोई राबता नहीं हुआ, साथ ये भी बोले कि मैंडेट बदलने वालों का अंजाम सब ने देख लिया है। बैरिस्टर गौहर खान का इस तमाम तर मामले पर जो रद्दअमल सामना आ रहा है, उनकी जानब से ये कहा गया कि अवाम ने महमूद खान और परवेज खट्टक को मुस्तरद कर दिया, ये अच्छा नहीं कि किसी की सपोर्ट से जीत कर दूसरी जमात में शामिल हो जाएं।